चंद्रकांति रमावती देवी आर महिला पीजी कॉलेज गोरखपुर में राज ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश द्वारा 2 दिवसीय कला आचार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रोफेसर रविशंकर सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कैटलाग का विमोचन और भारतीय संस्कृति से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर कलाकृति प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए चित्रकारों ने प्रस्तुत किए। इस दौरान चित्रकारों के बनाए विभिन्न चित्रों को देखकर सभी ने प्रशंसा की और उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर डॉक्टर यशवंत सिंह राठौर, डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी, डॉक्टर राकेश मिश्रा, श्वेता अंबिका, सारिका आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए चित्रकार सौम्या गुप्ता, छवि श्रीवास्तव, संगीता सिंह, मुख्य अतिथि प्रोफेसर रविशंकर सिंह और कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर रेखा रानी शर्मा ने कहा। चारकोल पेंटिंग है जिसको मैंने पेपर पे
पे कॉटेज शीट पे बनाया है और ये शिव जी की पेंटिंग है। इनकी अर्ध मुद्रा है, मतलब जब ये नाटक करते थे, नृत्य करते थे, नृत्य मुद्रा है इनकी, जिससे हमने ये दर्शाया कि इसमें डांसिंग का भी अभी स्कोप है और इसलिए हमने पेंटिंग के माध्यम से ये दर्शाया है। सर छवि श्रीवास्तव, ये पेंटिंग चारकोल पेंटिंग है और ये अनटाइटल, इसका कोई टाइटल नहीं है और आज यहाँ पे एग्जीबिशन लगा है और हम लोग यहाँ पे पेंटिंग्स लगाए हुए हैं। बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स यहाँ पे लगी हुई हैं। आप किस मकसद से पेंटिंग को बनाई थी? मैंने देखा, मतलब कहीं देखा था ये पेंटिंग, तो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी तो इसलिए बनाया। शागरिका सिंह, लैंडस्केप है, सैंड पेंटिंग, बालू पे बनी है ये पेंटिंग, तो ये प्राकृतिक दृश्य दर्शा रही है। बस कहाँ से हुनर आया आपको इस पेंटिंग को बनाने? बचपन से ही, और क्लास में मैम लोग भी वो करती थी तो फिर आगे भी बच्चों को सिखाने में आसानी रहेगी। प्रोफेसर रविशंकर सिंह, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी स्थित है जो उत्तर प्रदेश सरकार के लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय पर कार्यरत है। ललित कला अकादमी द्वारा यह उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंडलों में किया गया प्रदर्शनी की शुरुआत है और आज से ही अलग अलग मंडलों में प्रदर्शनी लगाई जाएगी और इससे जो आंचलिक कलाकार हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। क्या उद्देश्य है इस प्रदर्शनी का? उद्देश्य मात्र इतना है कि जो गांव और छोटे शहरों या कस्बों में कलाकार हैं उनको प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक उनकी ख्याति बढ़े, यही उद्देश्य है इस प्रदर्शनी। सम्मानित किया जाएगा, इसमें से 10 पुरस्कृत छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। डॉक्टर रेखा रानी शर्मा, CRDPG कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, दृश्य कला विभाग। ये राज्य ललित कला एकेडमी की क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी है जिसमें कला आचार्यों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें 66 कला आचार्यों ने प्रतिभाग किया है और इस प्रदर्शनी, चूँकि ये गोरखपुर बस्ती मंडल और देवीपाटन मंडल के कला शिक्षक इसमें सम्मिलित हुए हैं और उनके अनुकार था ये प्रदर्शनी लगाई गई। किस उद्देश्य से, क्या उद्देश्य है इस प्रदर्शनी? इसका उद्देश्य यह है कि कला कर्म करने वाले बहुत हैं और कला शिक्षक बहुत सारे कलाकारों को उत्पन्न करती है लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाती है अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, तो ये राजकली कला ललित कला अकादमी की तरफ से ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो अंतर्राष्ट्रीय प्लेट पे जा सकते हैं। क्या ऐसे प्रतिभा करने वाले प्रतिभागियों को कहीं सम्मानित भी किया जाएगा? जी हाँ, ये राज्य ललित कला अकादमी द्वारा इसमें से 10 प्रतिभागियों को छाटेगी और उनको सम्मानित करेगी और पुरस्कृत भी करेगी।